राधे राधे दोस्तों। दोस्तों मैं आपके लिए त्योहारों के लिए नई नई डिश लेकर आ रही हूँ। ये देखिए मैं लाई हूँ सिगार वाली समोसे। तो ये सिगार वाले समोसे बनाने के लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी अंदर तक। ये देखिए कितने कुरकुरे बने हुए, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, इनको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए हैं ऊपर से, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगे इनका। बस देखने में ये सिगार जैसे लग रहे हैं। आप चाहें तो और बड़े बड़े भी बना सकते हैं, जैसे आप बड़े बनाएंगे और लंबे सिगार जैसे बन जाएँ। इसको आप खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए, घर की बनी हुई चटनी के साथ खाइए, मेयोनीज के साथ खाइए, आपको जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ खाइए। ऐसे ही बिना चटनी के भी खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं देखते हैं कैसे ये बनते हैं। मैंने ये 7-8 आलू करीब ले लिए हैं और मैं थोड़े से ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने 7-8 आलू लिए हैं और उनको हाथ से रख लिए, ऐसे ही मैश कर लिए। तो आपके पास यदि मैसर हो, पाव भाजी मैसर वगैरह हो, तो जब गरम गरम आलू हो तो आप उनसे ही तोड़ लीजिएगा, तो मैश कर लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी से मैश हो जाते हैं। तो इनको हम हाथ से मैश कर लेंगे। इनको कद्दूकस बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि ये समोसे वाली फीलिंग बना रहे हैं। ये समोसे हाथ से तोड़ कर ही बनाते हैं, तभी उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये मैंने देखिए सारे आलू मैश कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस में एक कढ़ाई या पैन कुछ भी जो हो आपके पास वो चढ़ा लीजिए, और इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच करीब देसी घी डाल लीजिए। और देसी घी डालने के बाद इसमें आधी चम्मच करीब जीरा डाल दीजिए। आपके पास यदि खड़ी धनिया हो तो वो भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी दरदरी करके डालिएगा। मेरे पास इस समय खड़ी धनिया नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, लेकिन आपके पास खड़ी धनिया हो तो डाल लीजिएगा। अब इसमें एक चम्मच अदरक और 2 मिर्च काट के डाल दीजिए, तीखा अपने आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। जैसा मिर्च खाते हों उस हिसाब से मिर्च डाल लीजिएगा। इनको अच्छे से हमें लाल या गुलाबी जैसा भूनना है, और बिल्कुल ये देखिए मेरे गुलाबी जैसे हो गए हैं। तो अब इसमें हम आलू जो मैंने थोड़े से वो सारे आलू इसमें डाल देते हैं, और इसमें अब हम डालेंगे नमक। तो ये आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाली जैसे खाते हो। आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और ये लाल कुटी मिर्च घर की थी वो डाल दी है। ये आधी चम्मच गरम मसाला डाले, गरम मसाला इस समोसे में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आधी चम्मच मैंने लाल मिर्ची भी डाल दी है, ये कश्मीरी मिर्ची थी, ज़्यादा तीखी नहीं। और ये मैंने एक चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाल दिया खट्टा होने के लिए। ये और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम समोसा बनाते हैं बस उसी तरह हमको अच्छे से कलारना है, और ऊपर से थोड़ी सी धनिया डाल दीजिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी, मेरे पास पनीर बची हुई रखी थी, मैंने पनीर को कद्दूकस करके डाल दिया, और छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ था, कोई नाप तोल नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये मैंने पनीर को थोड़ा सा डाला, थोड़ी सी और बची है, मैंने उसको और डाल दिया। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे जितना कलारेंगे उतने दिन आपके ये चल जाएंगे। हमें इनको बहुत अच्छे से कला रहा है, अच्छा सा घी भी डाला है, इसलिए ये मेरे 2-3 दिन तक का बाहर चल जाएंगे। तो क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है, अब मैं इस लेती हूँ आटा। मैंने 2 कप आटा लिया है, 1 कप में 200 ग्राम करीब आता है आटा, तो इसलिए ये 400 ग्राम करीब आटा हुआ। अब इसमें एक छोटा कप समझ लीजिए, या तो आधा कप समझ लीजिए, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, मैंने ये रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसको हाथ में मैश कर लीजिएगा। मैंने तो अंदाज से ही डाल दिया है, आधा कप बता दिया है आपको। आप इसका आप मोयन सही है, इसका सही तरीका ये है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ सही तरीका। ये देखिए मैंने लड्डू जैसा बन गया है, बस इस तरह से ही हमें मोयन चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छा सा गूँथ लेते हैं। थोड़ा सख्त ही गूँथना है, बहुत मुलायम वाला नहीं गूँथना है। तो ये देखिए मैंने गूँथ लिया, कि ऐसा गूँथना है कि हमें बिना आटा लगाए अच्छे से मिले। एक बड़ी सी लोई ले ली, जैसे पराठा बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई ली है। इसको बड़ा सा हमें पराठा जैसा ही बेलना है, जितना बड़ा हो जाए अच्छा है, बहुत पतला नहीं करना है। जैसे हम सुहाल पापड़ी बनाते हैं बस इतना ही महीन रखना है, और इसको अच्छा सा जितना बड़ा हो सके आप बेलें। इसीलिए मैं कटिंग बोर्ड पर ही इसको बेल रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरा जो चकला है उससे बड़ा ही बनेगा, इसलिए मैं इसी बोर्ड पर बना रही हूँ। तो अब मैं ये देखिए आपको दिखा रही हूँ अभी कि मैंने कितना पतला बेला है। जैसे सुहाल पापड़ी नॉर्मली हम घर में बनाते हैं खाते हैं, बस उसी उतना ही पतला बनाना है, जैसे समझ लीजिए एक तरह से पराठा जैसा ही पतला बनाना है।
तो ये देखिए मैंने इतना बड़ा सा बेल लिया है, अब इसके मैं कट लगाती हूँ। इसको प्लस के निशान पर हम पहले कट लगाऊंगी और फिर इसके बीच में बिल्कुल अंदाज से ऐसे कट लगा लीजिए, तो ये 8 पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी 4 पहले बने थे, अब ये 8 पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए मैंने जो आलू का मिश्रण बनाया था उसका थोड़ा सा लंबा लंबा ऐसे बना लीजिए और ये साइड में इस तरह से रख लीजिए। बस थोड़े थोड़े बिल्कुल छोटे से लड्डू के बराबर ही आलू लीजिए, फिर इसको लंबा लंबा कटलेट जैसा बनाकर रखते जाइए। देखिए मैंने सारे में रख दिया, अब इसको जैसा दबा दबा के अच्छे से फोल्ड करना है, ये देखिए। और बस जो किनारा जो दबा हुआ है उसको हाथ से ऐसे दबा दी, ऐसे बना बना कर हमको सारे रख लेने हैं। ये देखिए मैंने इसी तरह आप बनाइए, बिल्कुल अंदर से इसको आलू को दबा दीजिए कस के और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके रखने। आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये सिगार बिल्कुल बनकर तैयार है एकदम से, तो ये सिगार रेसिपी आपको कैसी लगी? बिल्कुल स्वाद बिल्कुल समोसे जैसा आएगा, लेकिन बस शेप में ही अंतर है। ये मेरे सारे सिगार देखिए बनकर तैयार हैं एकदम। ये देखिए इतने सारे ये सिगार बनकर तैयार है। अभी थोड़ा सा आटा बचा है, वो मैं बाद में बनाऊंगी। मैं आपको अभी आटा भी दिखाती हूँ कितना ये बच गया है। ये देखिए इतना आटा बच गया, इतने ही अभी और बन जाएंगे, इसलिए इसको मैं आपको इतने ही से भून के दिखा रही हूँ। अब ये मैंने एक कटोरी ले ली है, इसमें 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ले लिया, इसमें 2 चम्मच ही पानी डाल लिया है और मैंने अंदाज से पानी डाला, ये थोड़ा सा पतला हो गया, इसलिए मैं 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर इसमें मिला लेती हूँ। तो दोस्तों ये कॉर्नफ्लोर मिला, अब बस इसको आप इस तरह से हल्का सा डिप कीजिए या तो आलू की जगह पर ही जैसा लगा दीजिए। मैंने इसको डिप कर दिया, गिर गया इसलिए डिप कर दिया बोल दिया मैंने। तो बस इसी तरह आप इसको लगा डाल डाल कर ऐसे ही डालते जाएं, इससे ये होगा कि ये जो आलू है वो बाहर नहीं निकलेगा और इसे क्रिस्पीपन भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज को बहुत तेज़ आंच में नहीं रखना है, बस गरम हो जैसे समोसे वाले हो हम भूनते हैं, बस वो ऐसी ही आंच चाहिए इसमें, एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए बस ये डाल दें। यदि आपको ज़्यादा गरम हो गया है तो आप गैस को बिल्कुल सिम में कर लीजिए और अच्छे से इसको गुलाबी गुलाबी होने तक, देखिए बस ऐसे ही गुलाबी गुलाबी भूनने चाहिए। मैं दूसरा बैच डालूँ, ये मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए थोड़े थोड़े आ रहे हैं, 2-3 बैच में इनको भून लूँगी और ऐसे ही गुलाबी गुलाबी होने तक का भूनना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और आप होली के त्यौहार में क्या क्या बना रहे हैं मुझे भी कमेंट करके बताइए। कौन सा नमकीन बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ज़रूर उसे कमेंट कीजिएगा। ये देखिए आपकी बातों बातों में ये सारे मेरे भूनकर तैयार हो गए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम लग रहा है बस तुरंत गरम गरम खा लें। ये देखिए बिल्कुल एक भी आलू कहीं नहीं निकला, आपने मेरा देखा होगा ऑयल भी बिल्कुल एकदम साफ था बिल्कुल। ये देखिए मैंने इसको टोमेटो केचप और चिली सॉस के साथ इसको परोस दिया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, देखिए मैं बजा कर दिखा रही हूँ आपको कि कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, राधे राधे।